नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा फूड्स में आपका स्वागत है। आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ पोटैटो चीज़ बॉल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। शुरू करते हैं, पोटैटो चीज़ बाइट बना रही हूँ मैं। तो उसके लिए मैंने 5 आलू, उबले आलू ले लिए कद्दूकस करके। ये देखिए, उसको कद्दूकस कर लिया मैंने। और अब इसमें मैं डालूँगी प्याज, कॉर्न, स्प्रिंग अनियन डाल रही हूँ मैं, स्प्रिंग अनियन डाल रही हूँ। और साथ में हरे धनिए की स्टेम लिए मैंने, उसको बारीक काट लिया मैंने, अच्छा टेस्ट आएगा। और ये ले ली मैंने कैप्सिकम, शिमला मिर्च, ये डाल रही हूँ। और अब मैं इसकी सीजनिंग करूँगी। इसमें कम ही लहसुन लगती है, तो मैंने 3 ले लिए छोटी कलियाँ, उसको बिल्कुल बारीक काट के डाला। चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो, और सबसे ज़रूरी चीज सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब इसको मिलाएंगे सबको। देखिए दोस्तों, मैंने डो बना लिया। वेजिटेबल डाल, सारी वेजिटेबल आलू में डाल के कद्दूकस किए थे जो उबले हुए आलू, और डो बना लिया। अब इसमें मैं डालूँगी, चीज़ बॉल बन रहे हैं तो चीज़ डालूँगी। चीज़ फ्रीजर से निकाल के ही डालें डायरेक्ट, उसको बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होने दें, नहीं तो वो तलते समय फूटेगा, बाहर आएगा फूट के। तो बिल्कुल ठंडा चिल ही डालना है इसमें, इस बात का जरूर ध्यान रखें पोटैटो चीज़ बॉल बनाते समय। तो ये मैं फ्रीजर से निकाल के ही डाला है। ये देखिए, ये मैंने चीज़ डाल के भी मिक्स कर लिया है। डो अपना तैयार है मेरा बनाने के लिए। अब इसके लिए मैंने डिप करने के लिए स्लरी बनाई है मैदे की। 3 बड़े चम्मच मैदे लेके और उसको पानी से मैंने घोला है, उसकी रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए, ये ऐसा होना चाहिए जो आपका घोल है। तो अब चलते हैं बनाते। बॉल्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कितने बड़े या छोटे बनाने हैं आपको। तो ये साइज लिया है मैंने, और इसको मैं डालूँगी, ब्रेड क्रम्स बना है मेरे पास, ब्रेड क्रम्स में डालूँगी मैं। और उसको इस स्लरी में डाल के डिप करके, जो मैंने मैदे की बना रखी है, इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए, पतली भी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद दोबारा मैं इसमें ये डाल दूँगी। तो ऐसे मैं सारी बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने सारे तैयार कर लिए हैं, सारे बॉल्स तैयार कर लिए मैंने। अब इसको मैं फ्राई करूँगी। तेल गरम होने चढ़ा दिया था, तेल गरम हो गया है। इसको बहुत हाई फ्लेम पे भी नहीं रखना है, हाई से मीडियम के बीच में रखना है। देखिए, ये देखिए, इसमें जितनी चीज़ें जाएंगी जो हमने डो बनाया है, ठंडे मैंने कॉर्न डाले थे बिल्कुल फ्रीजर से निकाल के, ठंडी ही मैंने चीज़ डाली थी, बिल्कुल ठंडा बर्फ़ जमीन, क्योंकि मेल्ट होके इसमें से निकलने लग जाता है चीज़। तो इसके जो भी हैं, और इन बॉल्स को भी हो सके 2 घंटे के लिए आप रखें बना के फ्रिज में। मैंने अभी रखा 10 मिनट के लिए रखा, क्योंकि जल्दी बना दो मुझे, लेकिन आप हो सके तो थोड़ा फ्रीजर में रखें इसको, उसके बाद इसको करें तो बहुत अच्छे बनेंगे। और इसको भी सेकूंगी मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये ऊपर से सिक जाएंगे, नीचे अंदर नहीं सिकेंगे,
इसलिए मैं आपको सेक के बताती हूँ। देखिए दोस्तों, तैयार है हमारे चीज़ बॉल्स, पोटैटो चीज़ बॉल्स रेडी हैं ये, और इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तैयार है। लेकिन ये तो आपको मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी बनाने के बाद। अब निकालूंगी मैं इसको। तो देखिए दोस्तों, पूरे बॉल्स मैंने तैयार करनी है, चीज़ बॉल्स। अब इसकी प्लेटिंग करूंगी मैं। आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा और देख के आप बनाइएगा ज़रूर इसको। स्टार्टर अपन खाने जाते हैं होटल में, रेस्टोरेंट में, तो ये स्टार्टर के रूप में खाते हैं अपन। तो घर पे बना के बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, और मेरे ये अच्छी लगे आपको तो सब्सक्राइब करिए ज़रूर से मेरे चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए। तो देखिए दोस्तों, प्लेटिंग कर ली है मैंने पोटैटो चीज़ बॉल्स की, और उसके लिए डिप तैयार करी है मैंने, जो मेयोनीज़ और सॉस को बराबर का मिला के मिक्स करके ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल के ये डिप तैयार करी है, जो इसके साथ खानी है आपको। और इसको मैं एक तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों चीज़, तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। ये खाने हम होटल जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, घर में बच्चों को बना के खिलाइए, बड़ों को बना के खिलाइए और एंटरटेन करिए बच्चों को। तो अगली नेक्स्ट रेसिपी लाने तक टेक केयर, बाय बाय।